राजा सुन के हुए लचार, तिलक चढ़ावा गईले चार, चार ठे आई बरतिया बाढ़ी फिकरिया पार। तो भैया एक राजा की एक लड़की रहल, बड़ा परेशान होके चार जने के भेजने पर घर ढूंढ के बढ़िया लड़का ठीक करके तिलक चढ़ा के बियाह के दिन धय के तब लौटिया। तो चारों जने चार ओर गईलन और संजोग से चारों जने के बढ़िया घर पर मिल गल, चारों जने तिलक चढ़ा देलन और सबकर बियाह के दिन अतवारे पड़ल। जे हाल राजा से गलत की बियाह अतवार के हुई। तो भैया हो राजा बेचारू तो धाम पूछल नहीं कि एक जगह ठीक कैला कि अलगे अलगे ठीक कैला। बारात जब आ गई है तब का भइल है, अरे लिखनिया कोई के तारे न तरी चारों दुल्हा क्या दुल्हनिया, लिखनिया कोई के तारे न तरी रुखसत होके चारों पहुंचे अनुपम करके साज सिंगार, रूख बदल गई महाराज की भूल से होना पड़ा लचार, रे गमगीन हुए पुरवासी देखत चकित हुए नरनार, रे घर घर से सखी सहेली आई भूप के भवन मझार। साँझ के टाइम कोनो बारात पूरब से कोनो पश्चिम से कोनो उत्तर से कोनो दक्षिण से चारी ओर से जब गांव में बारात आईल है तो गांव निवासी घबरा गेलन कि एक दुल्हन चार ठे दुल्हा का आया भाई, एक ठे तरज बाय मुड़ा बापरिया बना ले कांधे धैले, आगे आगे पहला चले पीछे से किसनवा खेतवा जाला रे किसनवा यह तर्ज डोलिया कारवा लाले माथे पासे रवा बनले, हाँ चारो रे दुल्हा राजा के भवन लट के डोलिया में फूलनवा टीका मथवा पर जामा में फूल नवा लहरे कुसुमी रे झूलनवा चारो रे बरतिया आईली देखो बरतिया आईली पूजा है तो दरवाजे पर जला बजनवा टक टक दली मयनवा दुल्हन के सखी सब दुल्हन के लगे जा जाके मस्करी करे लगलन कि अक्के दुल्हा बजे तरसत रहलु चच्चर जनियाल हो। तो दुल्हनिया जब सुनले से बड़ी अफसोस में पड़ गई कि जाएगी भवनवा के करे चार ठे सजनवा जे करे खाई के जहरवा मर गई सजवा मयनवा मचले आंगने में दुल्हनवा
राजा साहब सोचलें कि चार बारात आइल बा दरवाजे पर, तो चारों जने के स्वागत करी और तीन जने के समझा बुझा के लौटा कि एक जने से शादी करब, लड़की के विदाई करब। लेकिन पंचायत भर होता है तबले हर दुल्हनिया के पता लगल जो हर खा के मर गई, नौनिया गई दुल्हन के लगे देखत बा कि दुल्हनिया मर गई बा। झट मचा तमाम जहर खा के मर गई बाम, लिखनिया कोई के तारे न टरी टोला और मोहल्ला रावे राजा रनिया, लिखनिया कोई के तारे न टरी भैया। धीरे धीरे पता लग गई बारात में कि दुल्हन मर गई, तो चारों दुल्हा में से एक दुल्हा जो समझदार रहे सोचले कि बहुत अच्छा अकेले से मर गई और नहीं बिहाने विदाई के टाइम बाहर झगड़ा होते कहा दुल्हा मर जाता नहीं मर। अब्बो से अच्छा हुआ कि अपन बराती लेके वो घरे चल देलन। तीन दुल्हा बच गईलन। ये तीनों जने सलाह कैलन कि हम लोगों ने के ब्याह करे आए लिए, हम लोगों के कारण जान दे दिले, यह बेचारी के ले चल के मसान पर फूक ताप के दाग दे के तो घरे चलल जाई। तो देखे भैल का थकित ही ले लिए लाश सब यस मसान पर आए, दाह क्रिया गए तो भूप चीता में आग लगाए, लिखनिया कोई के तारे न डरी दद का गया न जाती तो बाबा दनिया, लिखनिया कोई के तारे न डरी भैया। एक दुल्हा तो घरे लौट गल, तीन दुल्हा दुल्हन के लेके फूके गईलन। जब चीता लग गल है और चीता पर दुल्हन के सुला देवल गल है, आग लगा देवल गल है, जब दुल्हन जरे लगल है, एक दुल्हा सोचले कि जियत अगर दुल्हन तो सब एक बजे मार झगड़ा करत, लेकिन मुहल्ले के क्यों साथ नहीं देते। वो दुल्हा अपन चिता पर कूद के जान दे देलस। लेकिन दू जने जन बैठल रहलन वो का कहलन, तन त्यागा दूसरा दुल्हन तन त्यागा दूसरा दुल्हा, नारी के संग चिंतित गर्चित तपस्वियों के तुल्य तीसरा, बटोर राखी से वह नित तूफान लग चौथा दुल्हा, बंगाल गया हो के सहमित तब का हाल सुना बंगाल एक हलवाई किया अनित। एक जने तो जल गई लन, एक जने दोनों का राखी बटोर के सोचलन कि अब यही पोत के भजन करब घरे ना जाब, और एक जने कहलन कि चलब बंगाल से जादू सीखब, जादू सीख के आईब दुल्हन जी आईब, फिर से ब्याह होई तब घरे चलब। जब बंगाल में पहुंचलन है वहां पता लगाओ थे उनके जादू कहाँ सिखावल जाला। एक हलवाई की दुकान पर बैठ के नाश्ता करत हुवन और वहीं करामात का देखत हुवन कि हलवाई के 10 साल का लड़का रहल, वो खेले चल गल है, वो खेल के जब आयल है तो हलवाई ओकर टांग पकड़ के बड़ा भारी करहा में घी चूरा चल वही करहवे में लड़कवा के डाल दिले। अभी चौथा दुल्हा सब काम छोड़ के अपन वही बैठ के देखा तो तमाशा, खेल में लड़का हलवाई का काफी देर लगाया, पकड़ के बेटे को पापी खोलता घी में नया, लिखनिया कोई के तारे न डरी मर गया लड़का चल गया सहजा में दिल गनिया, लिखनिया कोई के तारे न डरी। अब चारों दुल्हा
में देखे जोन चौथा दुल्हा बंगाल गैल बाय हलवाई के दुकान पर करामात देख ले कि अपने लड़का के कराह में पका रहल हो, लेकिन पका के मिठाई बनाई कि का करी एकर देख के तमाशा तब चलब। एक तर्ज यहाँ हो कि मिर्जापुर में कैले गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलन, एक कजरी वाला तर्ज बेटवा करहिया में चुरवा हलवैया कहे परदेसिया बेचारा भारी पाप कैले बदकारा कहे परदेसिया बेचारा भारी पाप कैले बदकारा लड़का चूर के वही में कोयला हो गया है तो करहिया नीचे उतरले से और बड़े पौना से छान के वो लड़का के करहिया में से बहरे कैले से एक गठरी में राखी रखले रहल भभूत जेके कहल जला। वह गठरी खोल के लड़कवा के ऊपर छिड़कले से तो देखे वही ठंड से जादू शुरू हो गए। तो भाई लड़का लड़का उठ के बैठ गए किया कर तू तो पता जादू का भभूत कहे परदेसिया बेचारा जिंदा होके बैठल तब कुमारा कहे परदेसिया बेचारा जिंदा होके बैठल तब कुमारा कहे परदेसिया बेचारा जिंदा होके बैठल तब कुमारा कहे परदेसिया वहीं तक तो मन में बहुत घृणा हो गई लहल है चौथा दुल्हा के, लेकिन अब ओकरे समझ में आ गल कि अकरे राखी में बहुत जादू बा, लड़का जर गल मर गल ओके तुरंत राखी छिड़क के जिंदा कर ले, यही में से थोड़ी सी राखी दे दे तो हमार दुल्हनिया जी जात। हाथ जोड़ के वो हलवाई से विनती करत कि भैया हम हूँ ऐसे ही काम से आई रही, नीचे किया मथवा परदेसी जोड़ा हथवा कहे परदेसी आ बेचारा ऐसा एक थे काम बा हमारा कहे परदेसिया बेचारा जा रहा है।
भैया ऐसे एक थे हम लोग भी चार दुल्हा मिलके एक दुल्हन से शादी करेली, दुल्हन के पता लगल तो जहर खा के मर गई, और वही दुल्हनिया के वियोग में एक थे हमारे साढ़ुओ जर के मर गए, तो थोड़ी सी भभूत दे देता तो दुल्हन जी जात, भलो साढ़ू जियत चाहे न जियत लेकिन दुल्हन हमारे जी जात। तब हम घरे जाब है प्रतिज्ञा करके आई थी, तो हलवाई की दया आ गई, थोड़ी सी राखी दे ले समझ से, और कहलत कि ले जा जहाँ दोनों दुल्हा दुल्हन का राखी हो वही राखी पर छिड़क देवा तो दुल्हन जिंदा हो जाये। जतन बता के खाख दिया परदेसी के हलवाई, लेके राखी पहुंच गई जब फूकल गई लुगाई, लिखनिया कोई के तारे न टरी तीसरा करत रहा तो राखी के जतनिया, लिखनिया कोई के तारे न टरी बारह साल बीत गए। जब बारह साल पर चौथा दुल्हा लौटल है बंगाल से जादू वाली राखी लेके, और तब तक तिसरके दुल्हा के खूब दाढ़ी बार बढ़ गई रहल, और वही दोनों के राखी पोत के शमशान घाट पर भजन करत रहन साधु हो गए रहन, तो ये कहलन कि साधु बाबा हर जा दुल्हन जी आई हम, तो विश्वास नहीं भल कहे कि बारह साल का मरल दुल्हन राखी में से कैसे जी। कहना तो हमार कमाल देखा कि हम बंगाल से जादू सीख के अली है, तो बेचारू हट गईलन और राखी दोनों को फैला के और ऊपर से बंगाल वाली राखी छिरकलन, तो भय लगा खाख हलवाई का राखी पछिरका निकली सुघर सी कुमारी दुल्हनिया, हलवाई को राखी पछिरका निकली सुघर सी कुमारी दुल्हनिया, हम हलवाई को राखी पछिरका निकली सुघर सी कुमारी दुल्हनिया, ऐसी कुमारी दुल्हनिया से कुमारी दुल्हनिया से कुमारी बाहवा। देखे जादू में खरामात, और राखी में से दुल्हन पहले जिंदा भेल और दुल्हन के बाद दुल्हा जौन जरल हल हो जिंदा हो गए, तो दुल्हवा सोचल कि हम लोग जिंदा हो गई जेकरे बदे हम प्राण देले रही है वो हमारे प्राण प्यारी जी गई ओकर कलाई पकड़ देले, कहले कि अब हमारे तुहार शादी हुई हुआ पर जिंदा दिया जो साथ जनवा बोला हमारी बनोगी जननवा, तो तीसरा कहा हम न राखी अगोरा इसलिए होगी हमारी दुल्हनिया, इसलिए होगी हमारी दुल्हनिया, झगड़ा भेल। वो कहे कि भैया तीन जने हम लोग रहली दुल्हन के संगे जरे बदे क्यों नहीं तैयार भल, हम तो कूद के करे बदे अपन प्राण भी दे देली, अब हम ब्याह करब, लेकिन दूसरका साढ़ू जौन बाबाजी बन गए ललन उन्हों के ताव आ गई, कहिया इतना दिन हम राखी अगोरली या तो आंधी में उड़ गई हो या तो बाढ़ में बह गई हो, राखी के हम अगोरली तभी हमार दुल्हन भेल हम ब्याह करब। बंगाल वाला बोलल कि हम न बंगाल गए हो न दुल्हन जी आई न ब्याह करे तैयार होता लोगन, हमार हक हो किसी मंत्र से इसको आके जिलाया चौथा का जिल्लत हमने उठाया, किसी मंत्र से इसको आके जिलाया हा झंझट की आशा मिला गिन
बनेगी मेरी प्राण प्यारी दुल्हनिया, बनेगी मेरी प्राण प्यारी दुल्हनिया, बनेगी मेरी प्राण प्यारी अब एक दुल्हे ना तीन दुल्हा तीनों झगड़ा करते थे आपस में। एक थे जौन साधु हो गए ललन, वो कहने की भैया देखा झगड़ा के लिए काम न चली, एक दुल्हे ना हो एक बांट चोट के तीनों जने रखल जाए। कहे से कि हम लोग तीनों जने परेशान है, पहला कहे कि हम जल गईली, दूसरका कहे कि हम साधु हो गईली, तीसरका कहे कि हम बंगाल गईली दुल्हन की जियावे बदे, तो हमारे वजह से ये दुल्हन जियल है तो हमार हक भैल। साधु बाबा कहे कि हम राखी न करलो है तो तू लोग क्यों जने न लड़ता, हमार हक भैल। एक जने कहे कि जले बजे तो हम जल गली, दुल्हन के संगे क्यों जने न तैयार भैला। ये तीनों जने झंझट कैलन और दुल्हन सोचलस कि जवन बलाय देख के हम जहर खा गली वह बलाय फिर तैयार हो गए। लेकिन वो जब साधु बल उनके दिल में कुछ क्षमता रहल, वो कहल ऐसा करा कि तीन दुल्हा हम लोग है या 12 महीना के साल होला, एक एक जने 4-4 महीना बांट के दुल्हन रखल जाए, एक जने जाड़ा भर रखा, एक जने गर्मी भर, एक जने बरसात भर। तो जौन जरल रहल वो कहलस कि ना भैया सब चीज का बंटवारा चलल लेकिन दुल्हन का बंटवारा ना ठीक होत। पता नहीं के करे मन में कब जौन बाय जो साजे दुल्हन की खोजे लगी और एक जने के लगे दुल्हन रही तब ठीक हुई। तो सब लोग कहेंगे अच्छा तब एक चौधरी बुलावा पंचायत हुई। अरे झंझट किए सब चौधरी बुलाए, बोला चौधरी तू इसको जिलाए। भाई जब बंगाल गए हल बहुत मेहनत कैलस तो बंगाल वाला सोचलस कि अब चौधरी हमरे जिम्मे दुल्हन लगी हैं। झंझट किए सब चौधरी बुलाए, बोले चौधरी तू इसको जिलाए। अरे बाप भयाई भाई बेटी तुम्हारी न जाई तेरे अटारी दुल्हनिया, तेरे अटारी रे प्यारी दुल्हनिया, बनेगी मेरी प्राण 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 प्यारी दुल्हनिया। तो भैया बंगाल से जो राखी लिया लल चौधरी कहलन कि तू यह दुल्हन का बाप हो गईला, कि तुहार बेटी भइल और जो लड़कवा जिंदा भइल है दुल्हवा यहू का बाप हो गईला, तू दोनों का अब तुहार हक के मन नहीं बात। भैया राखी किया गोरे ले है तो बाबा जी तैयार हो गए कि हम अंगोरे ले रही। उनका फैसला भइल कि राखी का जिसने किया रखवारी सेवा से इसकी भई महतारी। अरे बाप हाँ भाई भाजो भया साथ जिंदा, उसे भैया कह के पुकारी दुल्हनिया, उसे भैया कह के पुकारी दुल्हनिया, उसे भैया कह के पुकारी दुल्हनिया, पुकारी दुल्हनिया, पुकारी दुल्हनिया, उसे भैया कह के पुकारी दुल्हनिया, उसे भैया कह के पुकारी। अरे तो चौधरी तीनों जने के फेल कर दिलन। एक जने कहलन कि तू दोनों का बाप हो गईला और जे राखी अगोरलेस तो मतारी तन महीना नवे पेट में रख के बच्चन के अगोरली 9 महीना तक, और ये बेचारा 12 साल तक वो राखी के माता से पढ़ के सेवा के लिए सगोरे में, तो ओकर ड्यूटी हो गल माता का, जे राखी अगोरलस वो माता हो गए, और जे संगे कूद गए हल चिता पर जल गए ओकर ड्यूटी भैल कि फिर से पुनः जन्म दोनों जने का भयल है नया जन्म। ऐसे दुल्हन कऊ भाई भैलन, दोनों जने के यह जन्म से भाई का रिश्ता हो गल भाई बहन का। तब लोग कहेंगे अच्छा और बुलावा चौधरी के, ये तो चौधरी तीनों जने के चौपट कर दिलन। अब दुल्हन कहाँ जाए चौधरी, त
तो चौधरी कहे कि बस एक रास्ता बा भैया। वो कौन रास्ता बा? कि जवन दुल्हा जन्माष्टमी में से लवट के घरे चल गए, दुल्हन मर गई ल दुल्हा घरे चल गए, वही के बुलावा लोगन। हाँ पहला पर जो घर गया उसी को बुला कन्यादान कर गया। अरे बेचन कहा भाई पहला की नारी वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। ससुरारी दुल्हनिया ससुरारी दुल्हनिया। ससुरारी दुल्हनिया ससुरारी दुल्हनिया। वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। भैया पहले के पंचायत में कितना न्याय होत रहल कि जवन दुल्हा घरे चल गए रहल वो के बुला के और तीनों जने मिल के वो दुल्हा के वो दुल्हन से शादी करौलन, दुल्हन के विदाई कह के तब लोग अपने अपने घरे गईलन। था पहला पर जो घर गया उसी को बुला कन्यादान कर गया। अरे रमन का भाई पहले की नारी वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। ससुरारी दुल्हनिया ससुरारी दुल्हनिया। ससुरारी दुल्हनिया ससुरारी दुल्हनिया। ससुरारी दुल्हनिया ससुरारी दुल्हनिया। वही संग गई ससुरारी दुल्हनिया। वही संग गई ससुरारी। छिड़का अरे भैली सुघर सी कुमारी दुल्हनिया। भैली सुघर सी कुमारी दुल्हनिया। भैली सुघर सी कुमारी दुल्हनिया। तो बेचन कहते इन तीनों के झंझट पड़ल कपरवा। हाँ झंझट पड़ल कपरवा भैया झंझट पड़ल कपरवा। झंझट पड़ल कपरवा रामा झंझट पड़ल कपरवा। काम जाना नार न पौने उल्टा चल कहरवा। लिखनिया कोई कटारे लिखनिया कोई कटारे लिखनिया कोई कटारे मागरी। सरदा शादी कर लगता सहल सहल कनिया। लिखनिया कोई कटारे न जरी। चार ठे आई बरतिया बाढ़ी फिगरिया पार। स्वामी गुरु बिहारी तोरा चरणन की बलिहारी। जो कोई रहे लिखानी सगन कोई टार।